हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपका डॉक्टर राजेश वर्मा की क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे आपके सामने स्वास्थ्य मनोविज्ञान का अर्थ और उद्देश्य। शुरुआत करते हैं परिभाषा से, क्योंकि किसी भी विषय की जान होती है परिभाषा, किसी भी अवधारणा की शान होती है परिभाषा। जोसेफ मटरेजो के अनुसार स्वास्थ्य मनोविज्ञान वह विशिष्ट शैक्षिक, वैज्ञानिक और व्यावसायिक क्षेत्र में योगदान का समुच्चय होता है जो स्वास्थ्य के संवर्धन और रखरखाव, बीमारी की रोकथाम और उपचार, नैदानिक सहसंबंधों की पहचान तथा बीमारी एवं संबंधित रोग, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और स्वास्थ्य नीति निर्धारण के विश्लेषण में योगदान देता है। थोड़ी सी टेक्निकल जरूर लगी आपको, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। मतलब कहने का यह कि जो हेल्थ साइकोलॉजी है या स्वास्थ्य मनोविज्ञान है, वो कई तरह से कंट्रीब्यूट करता है। किसमें? आपकी जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है उसके रख रखाव में, किस प्रकार? वैज्ञानिक रूप से भी, प्रोफेशनली भी कंट्रीब्यूट करता है, और साथ साथ में एकेडमिकली किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है? वैज्ञानिक रूप से कैसे? अनुसंधान करके, रिसर्च करके। व्यवसायिक रूप से कैसे? ऐसे ऐसे टेस्टों का डेवलपमेंट होता है, विकास किया जाता है, जिससे कि मनोवैज्ञानिक या जो शारीरिक बीमारियां हैं उसके निदान में, उसके डायग्नोसिस में उनका प्रयोग किया जा सके। और शैक्षिक रूप में लोगों को एजुकेट करके, शिक्षा दे करके कि स्वास्थ्य मनोविज्ञान क्या है, स्वास्थ्य मनोविज्ञान स्वास्थ्य के रख रखाव में, उसकी पहचान करने में, उसको डायग्नोस करने में किस प्रकार अपनी भूमिका निभाता है। ये सारी चीजों का जब हम लोगों के सामने उनको इसके बारे में एजुकेट करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य मनोविज्ञान शैक्षिक रूप से भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे मैंने बताया कि कोई भी डेफिनेशन डिफिकल्ट इसलिए लगती है क्योंकि डेफिनेशन गागर में सागर भरने की कोशिश करती है, लेकिन ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन एंड इट इज एक्सेप्टेड बाय ऑलमोस्ट ऑल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट अक्रॉस द बोर्ड, यू कह सकते हैं अक्रॉस द ग्लोब। स्वास्थ्य मनोविज्ञान है वो क्या है, क्या करता है और कैसे करता है, तीनों चीजों को इसके अंदर समाहित कर दिया गया है, तीनों का इसके अंदर समावेश है। मतलब आपको इस परिभाषा को समझना जरूरी है, तभी आप इसको याद कर पाओगे। जब आप समझ गए तो याद करने की जरूरत नहीं है। अब अर्थ की बात करते हैं। हालांकि परिभाषा में हमने अर्थ को डिफाइन कर दिया है। 1978 से पहले स्वास्थ्य मनोविज्ञान नाम से कोई अलग से विज्ञान, कोई शाखा, कोई नहीं थी, लेकिन 78 में ये एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट क्षेत्र बना, ताकि इसके ऊपर भी स्पेसिफिकली हेल्थ साइकोलॉजी रिलेटेड विषयों को समझा जा सके, उनको पढ़ा जा सके और उसके बारे में रिसर्च की जा सके, क्योंकि इसकी जरूरत महसूस हुई। पहले जरूरत ही महसूस नहीं थी इसकी। ये क्या करती है ये शाखा? बीमारी के विकास, व्यक्ति के जो रोग का विकास या प्रोग्रेशन, उसका कैसे हुआ, कैसे उसको रोका जा सकता है और कैसे उसका ट्रीटमेंट है। विकास होना बीमारी का, बीमारी दोनों प्रकार की हो सकती है, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। मतलब कि दोनों प्रकार की बीमारियों में इसके तीन मुख्य बिंदु होते हैं कि कैसे उसका प्रोग्रेशन हुआ यानी विकास हुआ, कैसे उसको रोका जा सकता है, उसकी रोकथाम की जा सकती है, और कैसे उसको ट्रीट किया जा सकता है, उसको उपचार किया जा सकता है। तो उन तीनों में मनोवैज्ञानिक कारक क्या भूमिका निभाते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। आपके वायरस बैक्टीरिया से बीमारी होने वाली है वो होती है, वो साइंस जानता है, मेडिकल साइंस का भूमिका है उसमें। स्वास्थ्य मनोविज्ञान की क्या भूमिका है कि हम किस प्रकार से मनोवैज्ञानिक कारक, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स उस बीमारी के डेवलपमेंट होने में, विकास होने में कैसे योगदान देते हैं, और उन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को स्टडी करना है जो उसकी बीमारी को रोक सकते हैं, उसकी रोकथाम कर सकते हैं, उन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को स्टडी करना होता है जो उसके ट्रीटमेंट में भूमिका निभाते हैं। ये है इसका जीस्ट, ये इसका मीनिंग है स्वास्थ्य मनोविज्ञान। अब ये कैसे हो सकता है? व्यवहार प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, बिहेवियर जो व्यक्ति की मैनिफेस्टेशन होता है वो स्टडी की जाती है, कि अगर व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार की बीमारी है तो वो बीमारी के जो व्यवहार के कारण है वो कौन कौन से जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है,
जॉन हॉपकिंस की स्टडी आप करें जो दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार उन्होंने किया है कि किस प्रकार से बिहेवियरल चेंज के माध्यम से गिनीवॉर्म डिजीज होती है, बहुत बड़ी पूरी दुनिया के बहुत सारे देशों में फैली हुई थी, कैसे उन्हें मात्र एक व्यवहार के में परिवर्तन करके उस बीमारी से दुनिया को छुटकारा दिला दिया। कोई दवाई नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई मेडिकल साइंस नहीं। व्हाट ये यूज्ड, ये यूज्ड दी बिहेवियरल मॉडिफिकेशन टेक्निक, सिंपल, कमाल, एक बहुत दुनिया का बहुत बड़ा आश्चर्य किया उन्होंने जॉन हॉपकिंस। सो यही स्वास्थ्य मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है कि हम व्यवहार प्रक्रियाओं को समझें और जरूरत पड़ती है तो स्वास्थ्य को मेंटेन रखने में अगर उन प्रक्रियाओं में थोड़ा सा परिवर्तन कर सके, जिसको बोलते हैं लाइफस्टाइल चेंज, वो स्वास्थ्य मनोज्ञान की देन है। वो परिवर्तन व्यक्ति को बहुत सारी मनोशारीरिक बीमारियों से बचा सकता है। कैसे आपके कल्चरल फैक्टर्स भी आपकी बीमारी के विकास में, बीमारी के शुरुआत में, आपके सामाजिक फैक्टर्स भी, मनोवैज्ञानिक फैक्टर्स भी होते हैं, आपके बिहेवियरल फैक्टर्स होते हैं, ये सारे के सारे कारक किस प्रकार योगदान देते हैं बीमारी को शुरुआत करने में। आपको अजीब सा लग रहा होगा कि यार ये कैसे हो सकता है, सांस्कृतिक फैक्टर योगदान दे सकते हैं, यानी कि क्या सामाजिक फैक्टर्स के कारण, सामाजिक मुद्दों के कारण बीमारी हो सकती है? होती है, और बहुत सारी बीमारियां होती हैं। स्ट्रेस है बहुत बड़ा एक इशू बन चुका है, इस स्ट्रेस के कारण बहुत सारी शारीरिक बीमारियां उत्पन्न हो रही है। और देखिए, एक व्यक्ति भारत में बैठा है, वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति को स्ट्रेसफुल कर सकता है मात्र उसके एक स्टेटस को, उसके पोस्ट को, उसके फोटो को डिसलाइक करके। अगला व्यक्ति हो गया स्ट्रेस में, हजारों मील दूर बैठकर व्यक्ति आजकल स्ट्रेस दे सकता है, वर्चुअल तरीके से हम स्ट्रेस दे सकते हैं। मतलब स्वास्थ्य मनोविज्ञान का जो दायरा है, उसका जो स्कोप है, वो बढ़ता जा रहा है, उसकी यूटिलिटी बढ़ती जा रही है। उसके बाद स्ट्रेस से कैसे हम कोप अप करते हैं, सामना करना, उसकी स्टडी करनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्ट्रेस के कारण कितनी फिजियोलॉजिकल बीमारियां होती हैं आप अगर जानेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। डायबिटीज का मेजर रीजन स्ट्रेस है, अल्सर्स का मेजर रीजन स्ट्रेस है, आपकी स्किन डिजीज एक्जिमा होते हैं उसका मेजर कारण स्ट्रेस है। स्वास्थ्य उसके बीच और मनोवैज्ञानिक कारकों के बीच क्या संबंध है, यह जानना स्वास्थ्य मनोविज्ञान का काम है। एक चिकित्सक और एक चिकित्सा लेने वाले रोगी के बीच जो संबंध होते हैं वो किस प्रकार से हैं और कैसे होने चाहिए और क्यों होने चाहिए, इन सब का जवाब देता है स्वास्थ्य मनोविज्ञान। आपका जो हेल्थ है, बैलेंस है, उसको बढ़ाना, स्वास्थ्य संतुलन को बढ़ाना, क्या आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ साइकोलॉजिकल रूप से और शारीरिक रूप से, इसके बीच बैलेंस बनाना, संतुलन बनाना स्वास्थ्य मनोविज्ञान का काम है। वो कैसे किया जा सकता है, इतनी सारी बातें हमने की कि जो साइकोलॉजी है उसके सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। जैसा मैं कई बार आपको क्लासरूम में डिस्कस करता हूं कि कोई भी फील्ड, मनोविज्ञान का कोई भी सब फील्ड है, उसके अंदर अगर हम, जैसे स्पोर्ट्स, स्वास्थ्य, इनके अंदर अगर मनोविज्ञान, मनोविज्ञान है, बेसिक मनोविज्ञान है, उसके सिद्धांतों का उपयोग करते हैं, उनको अप्लाई करते हैं और फिर उस फील्ड में रिजल्ट्स, परिणाम निकालते हैं, अनुसंधान करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो एक प्रकार से वही फील्ड हो गया, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हो गया, स्वास्थ्य मनोविज्ञान हो गया। अगर स्वास्थ्य में मनोविज्ञान सिद्धांतों का उपयोग करें स्वास्थ्य मनोविज्ञान, स्पोर्ट्स में करें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, शिक्षा में करें शिक्षा मनोविज्ञान, इंडस्ट्री में करें इंडस्ट्री मनोविज्ञान, ये मूल मंत्र है, इसको आप याद रखें। और उन सिद्धांतों का उपयोग किस लिए करना है, बीमारी को समझना, उसके कारकों को समझना, किस प्रकार वो प्रोग्रेशन हुआ उनको समझना, किस प्रकार उनको रोका जा सकता है उनको समझना, कैसे व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है, ये सारी की सारी चीजें आपके मनोविज्ञान के दायरे में आती। तो वो मात्र मनोवैज्ञानिक कारकों पर, मनोविज्ञान सिद्धांतों पर तो डिपेंड रहता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी मुद्दों पर वो चर्चा करता है, कुछ और चीजों को भी वो अपने दायरे में समेटता है, तब जाकर के किसी एक स्वास्थ्य संबंधित विषय पर चर्चा की जाती है। जैसे है जैव मनोवैज्ञानिक सामाजिक दृष्टिकोण, ये भी है बायो साइको सोशल पर्सपेक्टिव, ये पूर्ण रूप से समाहित होता है स्वास्थ्य मनोविज्ञान, क्योंकि स्वास्थ्य को अगर समझना है तो उसके जो जय बायोलॉजिकल रीजंस है, साइकोलॉजिकल रीजंस है, सोशल रीजंस है, कल्चरल रीजंस है, सभी को समझना होगा।
तभी हम किसी बीमारी का, किसी रोग का सही से इलाज कर पाएंगे। इलाज के साथ साथ उसको जड़ से, उस समुदाय से ही समाप्त कर पाएंगे, जैसा जॉन हॉपकिंस ने किया है। यह शाखा मानती है, कौन सी शाखा? स्वास्थ्य मनोविज्ञान, कि स्वास्थ्य जैविक प्रक्रियाओं, जैसे वायरस हो गया, ट्यूमर हो गया, का ही परिणाम नहीं होता है। मैंने आपको बताया, केवल जो जब व्यक्ति को बीमारी होती है, कोई रोग उत्पन्न होता है उसके अंदर, केवल केवल जैविक कारकों से उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि उसमें मनोवैज्ञानिक कारक भी अपनी भूमिका निभाते हैं, योगदान देते हैं। जैसे विचार और विश्वास, आपके आइडियाज हैं, आपकी सामाजिक मान्यताएं क्या है, सांस्कृतिक मान्यताएं क्या है, ये साथ साथ में आपका व्यवहार क्या है, व्हाट आर योर हैबिट्स। आज दुनिया में डायबिटीज इतनी फैल रही है, हाइपरटेंशन इतना ज्यादा है, कार्डियक प्रॉब्लम्स कितनी डेवलप हो रही हैं, क्या कारण है इसका? बिकॉज हमारी आदतें ऐसी हो चुकी हैं कि हम बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। जिन आदतों के कारण व्यक्ति के अंदर रोग उत्पन्न हो रहे हैं, तो क्या कोई दवाई उसका इलाज कर सकती है? दवाई उसके सिम्टम्स का इलाज कर सकती है, उसकी जड़ से नहीं मिटा सकती। तो फिर इलाज क्या है इसका? स्वास्थ्य मनोविज्ञान, हेल्थ साइकोलॉजी, वो क्या करती है? वो ये स्टडी की जाएगी कि किन आदतों के कारण व्यक्ति में ये समस्या उत्पन्न होती है। सो उठते नहीं, कोई वॉकिंग नहीं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, एयर कंडीशन घर है, एयर कंडीशन घर से निकल, एयर कंडीशन गाड़ी में बैठे, एयर कंडीशन गाड़ी से बैठ, एयर कंडीशन ऑफिस में पहुंच गए, सेम काम है वापिस, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, आपकी आदतें ऐसी बन गई हैं। तो उन आदतों में अगर हम परिवर्तन करते हैं, आदतों में परिवर्तन का मतलब होता है आपके व्यवहार में परिवर्तन। और वो क्या है व्यवहार? क्या है? साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। वो अगर आपने परिवर्तन कर दिया तो बीमारी नहीं आएंगी। यही तो स्वास्थ्य मनोविज्ञान 1978 से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, तुम्हें बदलाव करो, अपने व्यवहार को समझो। अगर आपने आदतें बदल ली, लाइफस्टाइल चेंज कर लिया, तो बहुत हद तक बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है, उनसे बचा भी जा सकता है। जो कार्लसन और उसके साथी हैं, वो ये कहते हैं कि स्वास्थ्य मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा होती है जो स्वास्थ्य और बीमारी की समझ के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करती है। अब इसके कुछ सब फील्ड्स होते हैं, उप क्षेत्र कौन कौन से? स्वास्थ्य मनोविज्ञान के अंदर भी स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं, क्लिनिकल स्वास्थ्य मनोविज्ञान, क्लिनिकल हेल्थ साइकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ साइकोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ साइकोलॉजी और क्रिटिकल हेल्थ साइकोलॉजी। हिंदी में जान लीजिए, नैदानिक स्वास्थ्य मनोविज्ञान, सार्वजनिक स्वास्थ्य मनोविज्ञान, सामुदायिक स्वास्थ्य मनोविज्ञान और समालोचनात्मक स्वास्थ्य मनोविज्ञान। एक एक को हम डिस्कस करते हैं ब्रीफ में। अब क्लिनिकल स्वास्थ्य मनोविज्ञान या नैदानिक स्वास्थ्य मनोविज्ञान क्या होता है? यह उस वैज्ञानिक ज्ञान का अनुप्रयोग होता है जो स्वास्थ्य मनोविज्ञान से लेकर नैदानिक समस्याओं के अध्ययन से प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह है कि स्वास्थ्य मनोविज्ञान के सिद्धांत और उन सिद्धांतों का उपयोग हम कहां करते हैं? समस्याएं, रोग, बीमारियां, उनके निदान में जब यूज करते हैं उनका, तो वहां से हमें कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ नॉलेज मिलती है, तो हम कह सकते हैं कि वो काम जो किया हमने वो किसके दायरे में आएगा? नैदानिक स्वास्थ्य मनोविज्ञान, स्वास्थ्य से संबंधित कुछ डायग्नोस करना, तो हम कह सकते हैं कि वो है नैदानिक स्वास्थ्य मनोविज्ञान। इसमें शिक्षा, व्यवहार परिवर्तन की तकनीकें और मनोचिकित्सा आदि शामिल होते हैं। अब कैसे लोगों को एजुकेट करते हैं, कैसे बिहेवियर में चेंज लेकर आप मॉडिफिकेशन करते हैं, और किस प्रकार हम लोगों को साइकोथेरेपी के बारे में बताते हैं, वो साइकोथेरेपी भी देते हैं। तो ये सारा जब काम हम करते हैं तो वो दायरा आता है किसके अंडर में? क्लिनिकल हेल्थ साइकोलॉजी। सामाजिक स्वास्थ्य मनोविज्ञान, ये शाखा पब्लिक हेल्थ साइकोलॉजी को हम कह सकते हैं, जनसंख्या उन्मुख होती है, मतलब पॉपुलेशन ओरिएंटेड होती है, और इसका उद्देश्य बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जनसंख्या के स्तर पर मनोसामाजिक कार्यों एवं स्वास्थ्य के बीच संभावित कारणों की जांच करना होता है। पब्लिक हेल्थ साइकोलॉजी का मतलब है कि जो पब्लिक है आज, उसकी हेल्थ पर स्टडी करना, ध्यान केंद्रित करना और कारकों का पता लगाना। मनोवैज्ञानिक कारकों की बात ज्यादा इसमें हो रही है, तो उसमें पूरी जनसंख्या पॉपुलेशन पर फोकस किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है कि जो मनोसामाजिक कार्य है, साइकोसोशल एक्टिविटीज है, किस प्रकार से पब्लिक को जब वो सामाजिक
परिस्थिति में होता है, सामाजिक स्थिति में होता है, तो उस प्रकार से कैसा उसका व्यवहार होना चाहिए साइकोलॉजिकल रूप से और सोशली रूप से कैसे उसको बिहेव करना है, तो ये सब जानना, उनके बारे में लोगों को एजुकेट करना और संभावित कारण कि वो कौन कौन से सामाजिक फैक्टर्स हैं, पब्लिक फैक्टर्स हैं जो कि बीमारी में योगदान देते हैं। अब आप कहोगे कौन कौन से पब्लिक फैक्टर्स हैं, आप देखिए स्वच्छता अभियान भारत में चलाने की जरूरत पड़ी, क्यों? क्योंकि पब्लिक को क्या है कि सफाई तो पसंद है लेकिन गंदगी से उन्हें नफरत नहीं है, ये पब्लिक का रोल है। सरकार कितना करेगी, कोई सफाई कर्मचारी कितना काम करेगा, पब्लिक को अवेयरनेस की जरूरत है, उसके अंदर व्यवहार में परिवर्तन की जरूरत है। हमारे यहां पर स्वच्छता या स्वास्थ्य जो क्लीननेस है क्यों नहीं मेंटेन होती, उसका एक मुख्य कारण मैंने जो समझा है, मैंने जो जाना है अपने अनुभव के आधार पर, अपने अनुसंधान के आधार पर, कि भारत के लोग सफाई पसंद है क्योंकि अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं लेकिन गंदगी से उन्हें परहेज नहीं है। अगर उससे उनको परहेज हो जाए, उनसे नफरत वो करने लग जाए गंदगी से, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ साफ हो जाए। तो इसमें व्यवहार परिवर्तन की बहुत बड़ी आवश्यकता है और वो कौन करेगा, स्वास्थ्य मनोविज्ञान का एक उपक्षेत्र, इसको बोलते हैं पब्लिक हेल्थ साइकोलॉजी। थर्ड वन कम्युनिटी साइकोलॉजी, यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य मनोविज्ञान। पब्लिक अलग चीज है, कम्युनिटी अलग चीज है। पब्लिक एनकंपेसेस एवरीवन, कम्युनिटी मींस स्पेसिफिक कम्युनिटी, चाहे बिजनेस पीपल हो, शिक्षक हो, या कोई भी व्यक्ति हो, वो प्रोफेशनल रूप से कम्युनिटी हो सकती है, सामाजिक रूप से कम्युनिटी हो सकती है, बच्चे हैं वो एक तरह से कम्युनिटी अलग है, महिलाएं हैं वो कम्युनिटी अलग है, जेंडर से भी कम्युनिटी हो सकती है। तो उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना, यह उपक्षेत्र, यह शाखा किसकी शाखा है, स्वास्थ्य मनोविज्ञान की, और स्वास्थ्य मनोविज्ञान किसकी शाखा है, मनोविज्ञान की। उन सामुदायिक कारकों की जांच करता है, कम्युनिटी फैक्टर्स को स्टडी किया जाता है, अनुसंधान उस पर किया जाता है, कौन से जो समुदाय में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण में योगदान करते हैं, कि हाउ द कम्युनिटी कॉन्ट्रीब्यूट इन डेवलपिंग प्रोग्रेसिंग द डिजीज एंड हाउ द कम्युनिटी हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द डिजीज। ये भी बात है जो जॉन हॉपकिंस की जो स्टडी थी उसको पॉजिटिव डेविएंस के रूप से हम देख सकते हैं। उनका जो काम था कि उन्होंने ये पाया कि सारे गांव में, अफ्रीका के बहुत सारे देशों में गांव में गिनी वॉर्म डिजीज फैली हुई है, लेकिन एक गांव उन्होंने ऐसा पाया कि किसी को नहीं है उसमें। उन्होंने जाके देखा, क्या यार खाते हैं या कोई यहां पर देवता, कोई प्रोफेट, कोई भगवान उधर के आ गया, कहते तुम्हें डिजीज से बचा रहा है, तो नहीं। उन्होंने देखा कि उनका व्यवहार, उस कम्युनिटी थी उस गांव की, उनका व्यवहार में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। उन्होंने क्या, वो क्या करते थे, वो ये कर रहे थे कि पानी को मात्र छान कर पी रहे थे और गिनी वॉर्म डिजीज का जो लार्वा वो पानी में पनपता है। उनका इतना आसान सा समाधान, और उसी समाधान को उन्होंने पूरी दुनिया में फैला दिया, पानी को छान कर वो पीने लगे, तो देखो गिनी वॉर्म डिजीज बिना किसी दवाई के दुनिया से गायब हो चुकी है। सलाम करता हूं जॉन हॉपकिंस जैसे महान व्यक्तियों को, वो एक दृष्टि में मनोवैज्ञानिक है। और देखो उन्होंने एक उपाय विकसित किया ना कि उस कम्युनिटी के दृष्टिकोण को उन्होंने बदल दिया, तो यही होता है कम्युनिटी हेल्थ साइकोलॉजी में, कि हम कम्युनिटी के एक किसी मुद्दे के प्रति, किसी बीमारी के प्रति उसके दृष्टिकोण को बदल दें। हम बदल दें नहीं, उनको हम प्रेरित करें कि वो इस दृष्टिकोण को बदले। जब वो स्वयं प्रेरित होकर उसको बदलने लग जाएंगे, ऑटोमेटिकली बहुत सारी बीमारियां अपने आप दूर हो जाएंगी, आएंगे ही नहीं, तो स्वस्थ है अपने आप लोगों का सही होगा, और इस तरह से व्यक्ति शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। और अपना अंतिम उपक्षेत्र है क्रिटिकल हेल्थ साइकोलॉजी, समालोचनात्मक स्वास्थ्य मनोविज्ञान। ये क्या काम करता है, आप जानते हैं कि अंदर एक मोटिवेशन होता है, पावर का एक मोटिव होता है, कितने लोगों के पास पावर है और उस पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है, अंतर है, बिल्कुल अंतर है, किसी का इकोनॉमिक पावर है, मसल पावर है, कम्युनिटी पावर है, लीडरशिप, इस टाइप से। तो ये जो मनोविज्ञान है क्रिटिकल हेल्थ साइकोलॉजी, वो ये स्टडी करती है कि जो पावर है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसके डिस्ट्रीब्यूशन में अंतर है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पावर, वो किस प्रकार से जो व्यक्ति की पावर के डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके अंदर असमानता होती है,
तो उसके वितरण से व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है। तो वो हेल्थ मॉनिटरिंग जो सिस्टम्स होते हैं उस पर उसका प्रभाव पड़ता है। जो पॉलिसी बनाई जाती है हेल्थ रिलेटेड उस पर उस पावर का प्रभाव पड़ता है। कैसे प्रभाव पड़ता है कि मान लीजिए कुछ लोगों के हाथ में किसी राष्ट्र को चलाने की शक्ति पूरी की पूरी समाहित है, तो वो जब पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स क्रिएट करेंगे या पब्लिक पॉलिसीज बनाएंगे हेल्थ रिलेटेड, तो उनका अपना दृष्टिकोण, उस पावर का दृष्टिकोण उनको बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा उन पॉलिसीज को। तो ये कम्युनिटी हेल्थ साइकोलॉजी का जो ये उपक्षेत्र है ये स्टडी, और ये केवल एक जगह नहीं पाया जाता, ये सभी प्रकार की जातियों रेसेस में, पुरुषों में महिलाओं में पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा मान होता है, आयु के लोगों में, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों में, ये सब जगह ये पाया जाता है। ये उपक्षेत्र इन सभी में सार्वभौमिक अधिकार इस फील्ड में कि व्यक्ति के सभी के यूनिवर्सल राइट्स हो और सभी को सोशल जस्टिस मिले, उस पर इसका प्राथमिक ध्यान केंद्रित होता है कि सभी जातियों के लोगों को, सभी जेंडर के लोगों को, सभी आयु के और उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कुछ भी हो, उसके उन सभी के अधिकार उनको मिले, स्वास्थ्य के अधिकार उनको मिले और उनको न्याय मिले सामाजिक रूप से। ये मुद्दा होता है क्रिटिकल हेल्थ साइकोलॉजी कि उनके स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं, हेल्थ सर्विसेज हैं, उनमें असमानताएं ना हो। अरे बीमार तो कोई भी हो सकता है, कोई उसका लिंग हो, कोई उसकी आयु हो, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का कैसा भी हो, कोई हो सकता है। तो इसमें असमानताएं कैसी क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि ये शक्ति के डिस्ट्रीब्यूशन से उत्पन्न होती है, असामान्य डिस्ट्रीब्यूशन से होती है। जो पावरफुल लोग होते हैं दे एंजॉय बेटर हेल्थ सर्विसेज, और जो कम पावरफुल होते हैं उनको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती है। तो इसी बात पर अपना ध्यान केंद्रित करता है ये उपक्षेत्र स्वास्थ्य मनोविज्ञान का, जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल हेल्थ साइकोलॉजी। अब बात करते हैं इसके उद्देश्य क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी। बीमारी के प्रगमन मतलब प्रोग्रेशन में व्यवहार की भूमिका का मूल्यांकन किया जाता है कि व्यक्ति के अंदर जब बीमारी प्रोग्रेस करती है, हो गया रोग, उसके बाद जो प्रोग्रेशन होता है उसका, उसमें कौन कौन से व्यवहारिक मुद्दे हैं, बिहेवियरल इश्यूज हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे कौन कौन से, हृदय रोग में कौन कौन से मुद्दे कंट्रीब्यूट करते हैं, धूम्रपान, भोजन अनाप शनाप भोजन करना, व्यायाम बिल्कुल ना करना, ये क्या होते हैं, ये कोई बिहेवियर से संबंधित कुछ इश्यूज है। तो इनका अध्ययन करना, इनका मूल्यांकन करना और फिर परिणाम पर पहुंचना और लोगों को बताना, अरे भाई वॉकिंग कर लिया करो, सुबह सुबह उठ के थोड़ा व्यायाम कर लो, ये धूम्रपान को बंद करो, तो क्या होगा, आपके जो हृदय रोग है ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। कितनी दवाई खाओगे आप, ये मुद्दा। दूसरा उद्देश्य, अस्वस्थ के व्यवहार की भविष्यवाणी करना, मतलब कि अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा व्यवहार आप कर रहे हैं, तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। वही बात इसमें आती है, धूम्रपान आप पहले से बता सकते हैं लोगों की, इफ यू आर स्मोकिंग यू आर लाइबल टू गेट रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीजेस एंड इवन कैंसर एंड हार्ट डिजीज, आपको ये बताया जा सकता है, ये भविष्यवाणी की जा सकती है, प्रिडिक्ट किया जा सकता है। शराब का सेवन, जो हाई फैट रिलेटेड जो फूड्स होते हैं वो, दे ऑल अफेक्ट योर हेल्थ एडवर्सली। और कुछ जो बीमारियां हैं, कुछ रोग हैं, कुछ हमारे व्यवहार हैं, वो हमारी मान्यताओं से रिलेटेड होते हैं। हम लोग ऐसा मानते हैं, हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में ऐसी मान्यता है कि हमको ऐसा भोजन करना चाहिए, ऐसा खाना चाहिए। ये मान्यताएं क्या करती हैं, दे इंटरफेयर विद योर हेल्थ एंड एडवर्सली इफेक्टेड। तो इसका परिणाम क्या होता है, बीमारी उत्पन्न होना और व्यक्ति बीमार हो जाता है, और एक व्यक्ति बीमार होता है तो बहुत से लोग उसके साथ परेशान होने लगते हैं। मनोविज्ञान और शरीर विज्ञान के बीच अंतःक्रिया का मूल्यांकन, व्हाट इज द इंट्रैक्शन बिटवीन साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, उसके बीच ये दोनों कैसे इंट्रैक्ट करते हैं। जैसे दबाव स्ट्रेस एक साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, उसका बोध होना, बोध का मतलब ज्ञान होना और एक्सपीरियंस होना, दबाव से सामना कैसे कोप अप करना है, और सोशल सपोर्ट किस प्रकार से व्यक्ति को मदद कर सकती है उसके स्वास्थ्य को इंप्रूव करने में, कैसे वो बीमारी को बढ़ाने में योगदान देते हैं, इन सारी चीजें कैसे इंट्रैक्ट करती हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स
फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण और फिर बीमारी उत्पन्न होती है। कोई भी बीमारी प्योरली साइकोलॉजिकल फैक्टर से नहीं होती है, कोई भी बीमारी प्योरली फिजियोलॉजिकल फैक्टर से नहीं होती, दोनों के इंटरेक्शन से उत्पन्न होती है। हो सकता है एक का शुरुआत होने में एक का योगदान कम हो या प्रोग्रेशन में दूसरे का योगदान कम हो, लेकिन होगा जरूर। तो मनोविज्ञान यही स्टडी करता है, हाउ साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी इंटरेक्ट। बीमारी के बोध में मनोविज्ञान की भूमिका को समझना, बोध का मतलब है ज्ञान के साथ साथ एक्सपीरियंस होना कि हमें कैसे बीमारी हो रही है, अनुभव हो रहा है बीमारी का, उसमें मनोविज्ञान क्या भूमिका निभा सकता है कि जब व्यक्ति को बीमारी होती है तो उसको दर्द का अनुभव होता है, पेन होता है उसको, उसको समझना, उसको ये जानना कि जो पेन हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, ये किस हद तक जा सकता है। मितली नोसिया इसको बोलते हैं, एंजाइटी का क्या रोल है, उल्टी जब आने लगती है व्यक्ति को, इन सब के जो लक्षण होते हैं उनको कैसे कम किया जा सकता है। डिप्रेशन, हाउ दिस सिम्टम्स कैन बी रिड्यूस्ड, क्योंकि बीमारी जब व्यक्ति को होती है तो इन सब के सिम्टम्स एग्रीवेट होने लगते हैं और जिसका दवाइयां इलाज नहीं कर पाती हैं, कौन इलाज करेगा? मनोविज्ञान के सिद्धांत, स्वास्थ्य मनोविज्ञान की अवधारणाएं वो मदद करती हैं कि किस प्रकार से इन सिम्टम्स को, इन लक्षणों को कम किया जा सकता है। रोग के उपचार में मनोविज्ञान की भूमिका का मूल्यांकन, जब हम ट्रीटमेंट करते हैं किसी भी बीमारी का, तो उसमें वो कौन कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल कारक हैं जो उसके उपचार में मदद करते हैं, ये भी एक स्वास्थ्य मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्योंकि ट्रीटमेंट मात्र दवाइयों से नहीं हो सकता है, उसके अंदर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, मनोवैज्ञानिक कारक भी अपनी भूमिका निभाते हैं। स्वास्थ्य व्यवहार को बढ़ावा देना कि हाउ स्वस्थ व्यवहार, कैसे हम हेल्दी बिहेवियर कर सकते हैं, कि मान लिया जाए आपकी कुछ मान्यताएं हैं, अगर वो मान्यताएं लगातार आपके समाज में, आपकी कम्युनिटी में रोग को निमंत्रण दे रही है, तो क्यों ना हम उस मान्यताओं में थोड़ा परिवर्तन करें। और कैसे पता चलेगा कि कौन सी मान्यताएं किस रोग में कंट्रीब्यूट कर रही है, ये स्वास्थ्य मनोविज्ञान बताएगा। कुछ समुदाय में कुछ बीमारियां ज्यादा मिलती हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि उनका इम्यून सिस्टम कमजोर है या फिजियोलॉजी रूप से वो डिफरेंट है। क्या होता है, उनके कल्चरल फैक्टर्स, उसके कम्युनिटी फैक्टर्स हैं, दे कॉन्ट्रीब्यूट इन प्रोग्रेशन ऑफ दैट डिजीज या उसके उत्पन्न होने में योगदान देते हैं। रोग को होने से रोकना, सर्कमवेंटिंग द डिजीज, अगर आपने मान्यताएं, आपके बिलीफ सिस्टम, आपके बिहेवियर मॉडिफिकेशन कर दिया, उसमें बदलाव आपने कर दिया, तो आप किसी भी रोग को होने से बचा सकते हैं। मात्र करना क्या है, आपके व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन करना है। और इसमें आता है उद्देश्यों का सारांश क्या है, व्हाट इज द समरी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, बीमारी से बचाव, रोगी चिकित्सक संबंधों में सुधार, चिकित्सा सलाह के लिए सकारात्मक सोच, मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से स्वास्थ्य नीतियों का विश्लेषण, कि जब हम हेल्थ पॉलिसीज बनाते हैं तो उसके अंदर केवल एंड केवल हम एक फिजिकल हेल्थ, उसमें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उसको देखें, सोचें और विचारें, तो आप देखेंगे कि जो पॉलिसीज होंगी बहुत बढ़िया होंगी, बहुत इंपैक्टफुल होंगी। स्वास्थ्य और बीमारी पर नई जानकारी के लिए अनुसंधान, दर्द प्रबंधन के लिए वैकल्पिक उपचार कार्यक्रमों का विकास, कि हम कैसे पेन को मैनेज करें, अल्टरनेटिव जैसे योग है और जो मान्यताएं लोगों की, बिलीफ सिस्टम है, जिन्होंने बहुत सारे लोगों ने अपने किस प्रकार पेन को कम किया जा सकता है, उनको विकसित किया हुआ है, उनको समझना, उनको लागू करना, उनको दूसरे लोगों, दूसरे समुदाय में, दूसरे पब्लिक में उनके बारे में अवेयरनेस फैलाना, स्वास्थ्य और बीमारी में व्यवहार संबंधी कारकों को समझना, हाउ दी जीवन शैली और स्वास्थ्य के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित करना, योर लाइफस्टाइल एंड हेल्थ, उनके बीच क्या रिलेशन है, उनके बीच में जो उनके रिलेशन है उनके ऊपर फोकस करना, उनको स्टडी करना। अभी तक हमने क्या सीखा, आइए हम जानते हैं कैसे, कुछ प्रश्नों की हम चर्चा करते हैं। और प्रश्न दो प्रकार से होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबसे पहले पहला प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, स्वास्थ्य मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किस विषय पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करता है, और निम्नलिखित कहां पर है, ये रहे लो,
बीमारी का विकास, बीमारी का आधार, बीमारी की रोकथाम और बीमारी का उपचार। दूसरा प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन से तरीके स्वास्थ्य मनोज्ञान के दायरे से बाहर होते हैं, मतलब स्वास्थ्य मनोज्ञान वहां पर फोकस नहीं करता, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन कौन से तरीके हैं, ये रहे। इनमें से बताया, दबाव से सामना करने का अध्ययन, रोगी चिकित्सक संबंध, मनोवैज्ञानिक कारकों और स्वास्थ्य के बीच संबंध, और चौथा है इनमें से कोई नहीं, मतलब ये सारे के सारे स्वास्थ्य मनोज्ञान के दायरे में आते हैं। मुझे नहीं पता भी, ये आपको बताना है। तीसरा प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से स्वास्थ्य मनोज्ञान की कौन सी शाखा जनसंख्या उन्मुख होती है, क्लिनिकल हेल्थ साइकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ साइकोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ साइकोलॉजी एंड क्रिटिकल हेल्थ साइकोलॉजी। यू हैव टू फाइंड आउट एंड यू टू आंसर द क्वेश्चन। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज दिस इज, हमारी मान्यताएं हमारे स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालती है, आपको बताना है क्या ये वाक्य उचित है या अनुचित। मीन्स यू टू टेल वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, दैट आवर बिलीफ सिस्टम सिग्निफिकेंटली एंड डायरेक्टली इंपैक्ट्स आवर हेल्थ। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, स्वास्थ्य मनोविज्ञान का कौन सा उपक्षेत्र सब फील्ड स्वास्थ्य के सार्वभौमिक अधिकार और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता देने की वकालत करता है। एंड ऑप्शंस आर दीज, नैदानिक स्वास्थ्य मनोविज्ञान, सार्वजनिक स्वास्थ्य मनोविज्ञान, सामुदायिक स्वास्थ्य मनोविज्ञान और समालोचनात्मक स्वास्थ्य मनोविज्ञान। तो यू टू फाइंड आउट विच ऑफ दी सब फील्ड्स हेल्प्स इन और फोकसेस अपॉन द यूनिवर्सल राइट्स एंड द सोशल जस्टिस फॉर ऑल पीपल आउट ऑफ दीज फॉर सब फील्ड। और दूसरे प्रकार के प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड दीज आर दी लघु उत्तरात्मक प्रश्न। और पहला प्रश्न आपके सीन पर ये रहा, स्वास्थ्य मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए, मीन्स यू डिफाइन हेल्थ साइकोलॉजी। सेकेंड क्वेश्चन इस शारीरिक रोग में कौन कौन से कारक योगदान देते हैं, संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। और तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, स्वास्थ्य मनोविज्ञान के चारों उपक्षेत्रों के नाम लिखिए, यू टू राइट डाउन ऑल द नेम्स ऑफ द फोर सब फील्ड्स ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी। और चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, स्वास्थ्य मनोविज्ञान के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए, मीन्स यू टू हाईलाइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द हेल्थ साइकोलॉजी। और अंतिम बात करते हैं, अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, समालोचनात्मक स्वास्थ्य मनोज्ञान को संक्षिप्त में समझाइए, ब्रीफली एक्सप्लेन द क्रिटिकल हेल्थ साइकोलॉजी। ओके डियर फ्रेंड्स, दीज आर माय रेफरेंसेस, यू कैन क्रॉस चेक देम और उसको जरूर पढ़ें, जरूर जानें अगर आपको गहराई से इसको समझना है। और लेक्चर अच्छा लगता है तो औरों को बताएं, और इसमें कुछ कमी लगती है तो हमें बताएं। कैसे बताएंगे? वर्मा सुजीत @yahoo.com पर मेल करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।